हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आप देख रहे हैं सतीश का टिप्स। तो आज हम बात करने वाले हैं IRCTC की दो अपडेट आई हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले जो अपडेट है, नॉर्मली जैसे आप टिकट बुक करते हैं वैसे ही करिएगा, ख़ास तौर से आपका यूजफुल होने वाला है तत्काल टिकट में। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ऊपर लिख कर आ रहा है अवेलेबल 18 सीट आपको लिख कर आ रहा है, और मैं चेन्नई से झांसी के लिए बुक किया हूँ। तो यहाँ पे जब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है। जब अवेलेबल होगा तो आपका दो ऑप्शन यहाँ पे लिख कर आएगा। देखिए यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा आपका। पहला ऑप्शन जो है आपका कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन, और दूसरा है बुक ओनली इफ कन्फर्म बर्थ। तो ये जब सीट अवेलेबल होगा तभी, जैसे सीट अवेलेबल नहीं होगा तो ये वाला जो ऑप्शन है आपको नहीं दिखेगा, ये वाला ऑप्शन नहीं दिखेगा अगर आपकी पहले ही से बुकिंग के समय ही टिकट वेटिंग में है तो, ठीक है, और अदरवाइज़ ये आपको दिखेगा। तो एक तो ये अपडेट हो गया आपका, ठीक है, जो नॉर्मली है। दूसरा अपडेट ये है, यदि आप तत्काल टिकट बुक करते हैं और उसमें जब आप बुकिंग करते हैं तो यहाँ पे अवेलेबल दिखाता है, जब बुक करने जाते हैं पेमेंट करने तब तक वेटिंग हो जाती है, ठीक है, उसमें कोई अपडेट नहीं हुआ है। लेकिन यदि आप इसको क्लिक कर देते हैं और अगर बुक करते हैं तत्काल टिकट, यदि बाई चांस आपका नहीं होता है, मोस्टली नहीं होता है, तो जब नहीं होगा आपका टिकट बुक तो आपको 48 घंटे के अंदर आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। ये नया अपडेट है, पहले इसको कम से कम 4 से 5 दिन लगते थे आपका पैसे रिफंड होने में। तो ये काफ़ी अच्छा अपडेट है कि आपका 48 घंटे में आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे। तो